Hello everyone, we will have SOAPBOX for General Secretary Hostel Fest. So we have two candidates, one is Arbaz and one is Rishikesh. So I'll just brief you about the format of SOAPBOX. So initially we will have opening statement from each candidate, which will be of 3 minutes. Then later on we'll be having manifesto debate, which will, each candidate will ask 3 questions each to the opponent candidate. The maximum debate will be for 4 minutes. So next we'll be having topic debate. Anyone from the audience will be picking up the topics, and we'll have 4 topics to be debated between the candidates. And at last we'll have questions from inside and some questions from public too. Later on we'll have closing statement. So let's start. So we'll start with Arbaz. Okay. So hi, my name is Arbaz Ahmed. I'm a third year civil engineering B.Tech degree student. I'm contesting for the post of General Secretary of Hostel Affairs. So when I came to IIT, I saw that students have a lot of good facilities provided. There were transportation facilities, hospital facilities, hostel facilities, hostel mess related facilities. So in 15, I was very curious that how this mess related facilities work. How do they maintain it? What is it? So in 15, I was a mess secretary P.O.R.D. So I learned how this thing works, who is maintaining it. उसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला वर्किंग के लिए. ठीक है, तो हॉस्टल इजी. ठीक है, तो हॉस्टल 6 के अंदर मैंने एज ए मैस सेक्रेटरी वापस वर्क किया, क्योंकि वो जो मैं 15 में वर्क कर रहा था वो गवर्नमेंट मैस थी, यहाँ वाली प्राइवेट मैस थी. तो दोनों के वर्किंग में काफ़ी डिफरेंट था. थ्रू आउट माई टेन्योर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि वेंडर से बात की, स्टूडेंट से बात की, उनका परस्पेक्टिव जाना. तो थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई टेन्योर एट IIT भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी स्टूडेंट्स आए. ठीक है, तो मेरे मेन एजेंडा है कि मैं IIT बॉम्बे के अंदर जो भी स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेजर जो प्रॉब्लम्स वो मैंने मैनिफेस्टो के अंदर कवर की है. तो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपने नोटिस किया हो तो IIT बॉम्बे के अंदर लास्ट ईयर टमटम्स बंद हो गई, तो उससे रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेड बहुत पेन आई, तो वो मैंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कवर किया है. ठीक है, द सेकंड वन इज हेल्थ केयर. तो IIT बॉम्बे के अंदर जो है अभी हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इतनी अच्छी नहीं है. तो मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाहता हूँ IIT बॉम्बे के अंदर. ठीक है, तो द थर्ड वन इज IRCTC का ऑफिस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ IIT बॉम्बे के अंदर, क्योंकि IIT बॉम्बे के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल्स है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है टिकट बुक करवाने में. तो इसलिए मैं IRCTC का ऑफिस IIT बॉम्बे के अंदर स्टैब्लिश करना चाहता हूँ. ठीक है, द फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी. तो हॉस्टल अफेयर्स काउंसिल का काम इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और उनकी रीच इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं एक फेसबुक पेज बनाना चाहता हूँ जिससे उनके हॉस्टल अफेयर्स पे जो हॉस्टल अफेयर पेज है, फेसबुक पेज है, उसकी रीच अच्छी हो और स्टूडेंट को कैटर कर सके अच्छे से. ठीक है, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो के मेजर पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए. ठीक है, तो उसमें जो मैंने मेनली जो ग्राउंड वर्क के थ्रू जो मैंने पता किया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी कि हाँ मेरी मैनिफेस्टो के मेजर पॉइंट्स ये, स्टूडेंट की उससे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं IIT बॉम्बे को एक सेल्फ सफिशिएंट प्लेस बनाना चाहता हूँ, ताकि वो अपने स्टूडेंट के हर बेसिक नीड को कैटर कर सके टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. ठीक है, दैट्स ऑल. Guys, we are running out of time, it's still 10, so... Hello everyone! I am Rishikesh Vankade, a third year mechanical engineering undergraduate. And I am contesting for the post of General Secretary of Hostel Affairs. Currently, I am the maintenance counselor of Hostel 3 and I have also worked as a part of student task force. So during this two positions of responsibility that I hold, I came to know about various problems that students face in their day-to-day life. So basically there are many facilities that are available for the students, but they face problems while availing them. So what I want to do is, I want to streamline the process that you have to go through to avail those facilities. And my vision about the institute is to make the institute more transparent about the hostel affairs work, make the hostel affairs work more accountable, and also provide basic facilities for the students. May that be for eateries, may that be for transport and other things. So I will put forward my vision about the institute through basic points. First of which is my point about centralized laundromat system.
So in this point, there will be an Android app through which you can avail the facility of delivery and pickup for the laundry. There will be centers developed throughout the institute from which this facility will be provided. The next point is about the overnight delivery service. So as you might know that after 11 p.m., you cannot avail the facility of delivery at your hostels. So through this initiative, I want to provide you that facility. The next point is about the LEDs, halogens that are used in the hostel grounds. So currently many hostels are trying to replace the halogens that are used in their grounds to replace with them with LEDs. So I want to centralize this process and move towards a energy efficient campus. I also have other initiatives which move towards a sustainable institute and making the life of students living inside the institute better. Thank you. So we will have a manifesto debate. So first, Arbaz will be asking questions to Rishikesh. ठीक है तो ऋषिकेश मेरा पहला क्वेश्चन आपके लॉन्ड्रोमेट सर्विस के ऊपर है तो आप अभी के सिस्टम को क्यों नहीं यूज करना चाहते और नया सिस्टम क्यों लाना चाहते हैं अभी प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली आप बता सकते हो उसका कैपिटल कॉस्ट कितना होगा लास्ट पार्ट एक बार क्लियर कर दो लास्ट क्वेश्चन क्या था उसका कॉस्ट कितना होगा तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा ओके सो ये जो लॉन्ड्रोमेट सिस्टम है ये करंटली इंप्लीमेंट हो रहा है एट आईआईटी दिल्ली एंड द feedback of the system is very nice. So what I want to do is iski need kya hai jo abhi pehle se washroom mein hai usme problem kya hai will you just listen to my answer please so what I am saying is that currently there are hostels like hostel 16 where laundromat service is not provided currently so I want to provide this service to those hostels as well so through this process You will also get the service of delivery and pickup at your hostel itself. And again, about the cost that you are asking, so the current centers that are there for laundry service, those centers will be included under this centralized process. I only want to centralize the process and so that you can have a control over this. Currently, hostel councils provide the maintenance to these services. So hostel councils will not have to involve in the maintenance work of this laundry service. Cost kitna hai bhai? That's what I am saying, bro. The private. अभी जो मैं वॉशरूम में हॉस्टल के अंदर है, अगर मैं उसको एक बकेट देकर आता हूँ क्लॉथ्स की, जिसमें 10 to 12 होते हैं, तो वो मेरे उसके लिए सिर्फ 15 रुपीस चार्ज करता है. तो डायरेक्टली बताना कितना होगा? Cost. Okay, so listen. Each student pays 15 rupees for each bucket plus hostel council pays amount from the amenities to cater for the maintenance of this washing machine that are used there. So this cost will not be bear by the hostel council after centralization of this laundromat service. Student ko per cost kitna aa raha hai? Let's say you will have to pay 20 rupees per bucket. The price badhna to sir fayda kya student ka paisa badhna apna kaam hai. Listen, I also said that hostel council will not have to pay from the hostel amenities that are also paid by this hostel students itself, right? लेकिन वो फिर भी कटेगी ना 242 जो प्राइस कटती है अमेनिटीज को फिर भी कटेगी या सो हॉस्टल काउंसिल कैन थिंक अबाउट रिड्यूसिंग दोस प्राइसेस एज वेल तो आप ये इंप्लीमेंट कैसे करोगे इसका सेंटर कहां एस्टैब्लिश करोगे आई ऑलरेडी मेंशन दैट द करंटली दोस सर्विसेज व्हिच आर रन इन वेरियस हॉस्टल्स विल बी included in the centralized process itself I just want to centralize the process for the ease of students so aapne bola S16 mein aisa kuch hai nahi to S16 ke jo students ke jo cloths hai wo kahan jayenge wash karne ke liye bas to wahan ke cloth jo hai wo baaki centers se matlab wash karke service provide ki jayegi ironing services washing services and other aapko aisa nahi lag raha ki koi student apni buckets diye wo ghoom gaye to uska kya hoga usko notice kaun karega limit theek hai If you want to answer that, you can. If you want to answer. As I said, the service is already implemented at IIT Delhi and it is functional as such. That's not my answer. Hmm.
each of you have 5 chances for rebuttal. Count it yourself, because next time if you ask more than 5, we'll stop it, okay? So let's go to the next question. So now Rishikesh will be asking the question to Arbaz. Okay, Arbaz, my question is regarding your point of dockless service of cycles, cycle pulling. So what is your plan of action for in-house dockless cycle pulling system, and how do you plan to implement the eliminate the rental cost for them, and where would you provide the infrastructure required for the service? ठीक है, जो अभी जैसा यूलू का साइकिल पुलिंग सिस्टम है वैसा अपने इंस्टी का होगा. जो साइकिल है वो एक पीआर कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है अपने पीआर रीजंस के लिए. ठीक है, उसका जो मेंटेनेंस होगा, आपने साइकिल शॉप का टेंडर पढ़ा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर अभी इंस्टी के अंदर इन हाउस साइकिल पुलिंग सिस्टम आता है तो वो साइकिल वाला उसकी मेंटेनेंस देखेगा. ठीक है, और आपका डाउट क्या था? और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस, वेयर वुड इट बी प्रोवाइडेड? जैसे अभी यूलू का है तो अपन हॉस्टल के जो अंदर स्टैंड लगाएंगे, साइकिल स्टैंड है वहाँ पे करके सकता है. सेम यूलू का सिस्टम, बस इंस्टी पे करेगी उसका, और स्टूडेंट के लिए इसमें कोई कुछ नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा स्टूडेंट को. आई ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट दैट यू आर रिक्वायरिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस इटसेल्फ ना. सो मतलब जो साइकिल प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? इनिशियली साइकिल तो खरीदनी पड़ेगी, राइट? अगर आपने मेरा आंसर पहले सुना तो आप ये पूछते नहीं. मैंने बोला कि बाहर से कंपनी है वो आईआईटी के अंदर साइकिल देना चाहती है फॉर पीआर रीजंस. Okay, about infrastructure, you said that you will provide the infrastructure inside the hostel itself. So you would be knowing that currently Hostel 3 is providing the garage system for Yulu, right? And hostel council or hostel officials are not that reluctant to provide that service. And why should the hostel provide the service if the service itself was developed for hostel students itself, right? The standards that are developed for hostel students, and you are asking for that space to provide service to others. अरे भाई, ये जो सर्विस है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपन, इसलिए गाइस वन सेकंड, अ फैक्चुअल करेक्शन. इंस्टीट्यूट वोंट टेक एनी पब्लिक थिंग दैट इज नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑन पीआर बेसिस. ठीक है, चलेगा, लेकिन अपन एलुमनाई फंड से प्रोजेक्ट करवा सकते हैं ना. एलुमनाई को पिच करेंगे, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें जो स्मार्ट लॉक लगेंगे वो अपन एलुमनाई फंड से लाएंगे. और जब स्टैंड की बात कर रहे हो वो भी अपन लाएंगे, और जो आप मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैं आईआईटी को एक कॉम्प्रेसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिसमें बसेस भी चलेगी, ई शटल भी चलेगी, और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी चलेगी. सो यू आस्क दैट, यू सेड दैट यू विल आस्क अलुमनाई फॉर फंड्स, राइट? या सो यू शुड बी नोइंग दैट देयर आर अदर प्रपोजल्स दैट आर पेंडिंग जस्ट बिकॉज देयर आर नो फंड्स फ्रॉम अलुमनाई और अदर्स. So you want to propose another case? One second, you are deviating from the topic that you have chosen, so you can't ask me. My turn. So both focus on the manifesto debate, that the point is, and both are deviating. Okay. So Rishikesh, you have 10 seconds for the last rebuttal, and Arbaz, you will be having 30 seconds to answer this question. So still this question persists, how will you provide the cost for that? You don't have a structure as such yet. बताया ना, मैं पूरा मैं कॉम्प्रेसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ला रहा हूँ, उसका जो कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट बियर करेगा उसमें मैं 3 फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बसेज, ई शटल्स एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम. ठीक है, तो अच्छा, आपने जो गर्ल्स वॉशरूम वाला जो आइडिया बताया दिया, पर आपने जो एक्सेस वॉशरूम बोला वो किसी हॉस्टल में है नहीं. अगर आप ओल्ड हॉस्टल में जाके देखोगे, जो हॉस्टल है उसमें टॉयलेट की पहले से कमी है, बाकी रेजिडेंट के लिए भी कमी है, तो आप एक्सेस ये एक्सेस जो टॉयलेट है वो कहाँ से ला रहे हो? एक्चुअली हॉस्टल 3 के अंदर भी स्टूडेंट्स के लिए 28 स्टूडेंट्स के लिए 4 वॉशरूम है.
ओके तो मैंने ऐसा नहीं बोला है कि सारे एक्सेस वॉशरूम्स को मैं कन्वर्ट करूंगा. हॉस्टल 3 लिसन टू एक्सेस वॉशरूम है ना, कौन सा हॉस्टल में ग्राउंड में बोलते कि कोई हॉस्टल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. सो हॉस्टल लेट्स से फॉर एग्जांपल हॉस्टल 3 कंसीडर करते हैं, तो हॉस्टल 3 के ग्राउंड फ्लोर पे साइड में एक्स्ट्रा वॉशरूम है, उसको मैं जस्ट कन्वर्ट करना चाहता हूँ, राइट. और प्लस अदर हॉस्टल्स में जस्ट लाइक हॉस्टल 8 उनके पास गेस्ट रूम्स के लिए अलग एक वॉशरूम है, सो आई वांट टू कन्वर्ट दैट वॉशरूम इनटू गर्ल्स वॉशरूम, क्योंकि मोस्टली जो गेस्ट लोग अगर आते हैं उनमें पेरेंट्स रहते हैं और उन लोग के लिए अगर गर्ल्स वॉशरूम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब देयर इज नो सर्विस फॉर गर्ल्स टू अवेल देयर. भाई स्टूडेंट के पास भी वॉशरूम की कमी आ रही है, तुम उसको जो हॉस्टल के अंदर नए वॉशरूम क्यों नहीं ला रहे, पुराने को क्यों कन्वर्ट कर रहे, स्टूडेंट के पास कमी आ रही है हॉस्टल से. और अगर तुमने ग्राउंड वर्क किया होता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यू नीड द परमिशन फ्रॉम बीएमसी एंड यू डोंट गेट दैट परमिशन सो इजीली. दैट्स व्हाई आई एम प्रपोजिंग टू कन्वर्ट द करंटली एग्जिस्टिंग वॉशरूम्स इनटू गर्ल्स वॉशरूम्स. आप बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट भी ला सकते थे, एज अल्टरनेटिव मैं प्रपोज कर रहा हूं आपको. क्या बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स भी ब्रो, पहले नीड है टॉयलेट्स होने की, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल आएंगे ना. तो जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स है वो आप हॉस्टल रेजिडेंट पे छोड़ देता कि वो यूज कर पाते. फिर से सॉरी क्या था लास्ट पॉइंट? मैं कह रहा हूँ कि आप जो नए टॉयलेट्स ला सकते थे बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स जो आईबीस के अंदर यूज होता है फेस्ट के ड्यूरिंग, ठीक है. और जो मेरा क्वेश्चन था जो एक्सेस टॉयलेट्स है वो आप स्टूडेंट की नीड्स पे छोड़ सकते हैं. रेसिडेंट को प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं मिले, अगर आप सुबह उठते ब्रेकफास्ट करते हो, अगर आपको आइडिया होगा 8:30 बजे आप उठते हो तो टॉयलेट सारे फुल होते हैं पूरी विंग के, वहाँ एक्सेस टॉयलेट स्टूडेंट के हॉस्टल के रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है. आप उसको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो. ऑलरेडी पर फ्लोर एक वॉशरूम ऑलरेडी है, टॉयलेट्स है, सो ऑन द ग्राउंड फ्लोर यू हैव टू वॉशरूम, सो व्हाई नॉट कन्वर्ट वन इनटू गर्ल्स वॉशरूम. दैट्स माय सिंपल आइडिया. के लिए कम पड़ रहे हैं, सफिशिएंट है स्टूडेंट के लिए. ऋषिकेश यू हैव 20 सेकंड्स टू आंसर. सो मतलब गर्ल्स वॉशरूम की नीड है बॉयज हॉस्टल में, इतना तो तुम हर कोई मानोगे. सो आई एम जस्ट प्रपोजिंग द सॉल्यूशन टू कैटर टू द प्रॉब्लम. मैं कह रहा हूं आप इससे अच्छा सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं. नो वर सॉरी. ठीक है सॉरी कूल. बंद नहीं होता ये. अच्छा बोलो. आई हैव नोटिस्ड कि जब तुम्हारा रिबेटल का हो भी हाँ. जाता है एंड में तुम कुछ बोल के ही बंद करते हो. डोंट डू दैट. ठीक है लाइक फर्स्ट तुमने बोला अभी तुमने क्या बोला सॉरी समथिंग लाइक दैट. आई एम सॉरी टू वैसे मत करो. तुमने फर्स्ट टाइम भी किया था अभी कर रहे हो. ठीक है कूल है वो मत करना. ठीक है बट टेक ऑल 5 रिबेट जो भी रिबेटल्स है वो सही ले लेना. ठीक है Rishikesh, you last question to answer. My next question is about your transport point. Yeah, exactly, about the tum-tum. You have mentioned about the complementing cost structure for tum-tums. So I want to ask you about how would you implement the service. And again, there have been efforts in past about privatization of tum-tums. So how do you want to overcome the problems that they were faced during the privatization? Last question is previously jo problems faced hue the privatization ke liye to usko kaise cater karna chahte ho tum. Problems
तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माय ग्राउंड मुझे पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लास जाने में पेन होता है क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो मैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रपोज कर रहा हूँ उसे कहते हैं कॉम्प्रेहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसमें तीन चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, टमटम्स, ई शटल्स एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम। तो आपका डायरेक्ट डाउट है टमटम्स के ऊपर, प्लान ऑफ एक्शन अबाउट टमटम। तो जो मैं टमटम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जो बड़े हॉस्टल को ई शटल्स केटर नहीं कर पाई क्योंकि उनका क्राउड बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़े हॉस्टल में आते 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स आई थी वो था जो SWS के ड्राइवर्स थे वो अच्छे से इफिशेंटली वर्क नहीं करते थे, तो बाकी हॉस्टल को केटर नहीं कर पा रहे थे, उनकी नीड्स को केटर नहीं कर पा रहे थे। राइट नाउ जो मैं कॉम्प्रेहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाना चाहता हूँ उससे यह है कि वो हर हॉस्टल के स्टूडेंट को केटर कर पाएंगे इजीली। और आपको चाहिए तो मैं आपको उसका रूट मैप भी बता देता हूँ। So Arbaz, stick to the question. He wants the explanation for Kambandhi. ठीक है, तो जो ड्राइवर्स थे उनका अगर आपको आगे वाले तो लीगल डिस्प्यूट था वो उसमें अपन जीतने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड वाली जो ड्राइवर के अबाउट योर कॉम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर दैट यू हैव मेंशनड इनसाइड योर मैनिफेस्टो। ठीक है, तो आपने कॉस्ट की बात की तो अपन चार टमटम ला रहे हैं। ठीक है, जिसके 80 सीटर कैपेसिटीज है। ठीक, उसके अलावा जो ई शटल्स ला रहे हैं और जो ये साइकिल पुलिंग सिस्टम ला रहे हैं तो पर स्टूडेंट अराउंड 900 रुपये लगेगा पर सेमेस्टर। उसके अंदर मैं तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, टमटम्स भी, ई शटल्स भी एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम भी, जो भी इंस्टी का खुद का है। सो यू आर सेइंग दैट द टमटम फैसिलिटी विल ओनली बी फॉर हॉस्टल 12, 13, 14 एंड 15, 16, राइट? हाँ, लेकिन बाकी हॉस्टल का ई शटल्स है। सो हाउ विल यू एंश्योर दैट ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज हॉस्टल आर अवेलिंग दोज दैट फैसिलिटी? बाकी हॉस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी हॉस्टल के जो इसका बस स्टैंड होगा वो मेन पॉइंट होगा 12, 13, 14 से सोम एंड 15, 16 से सोम। तो इस सर्विस के लिए पे कौन कर रहा है? एक्चुअली जो स्टूडेंट पे कर रहा है वो इन तीनों सर्विस के लिए पे कर रहा है, टमटम्स के लिए भी, ई शटल्स के लिए भी और साइकिल पुलिंग सिस्टम के लिए भी, इस कॉम्प्रेहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए पे कर रहा है। बट ई शटल के लिए तो हम पेपर राइड पे करते हैं, राइट? एक्चुअली मैं वो हटा रहा हूँ, तो पेपर राइड वाला सिस्टम हटा रहा हूँ। और जो जैसे टमटम्स में पहले होता था सेमेस्टर के स्टार्टिंग में अपन फीस पे करते थे, सम अमाउंट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन फीस पे करते थे वो सारे स्टूडेंट पे करेंगे। सो इनिशियली 1000 रुपीज जब पर सेमेस्टर चार्ज होता था तब भी सर्विस सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, एंड यू आर सेइंग दैट इन 900 रुपीज यू कैन प्रोवाइड द सर्विस टू द होल इंस्टीट्यूट, राइट? मोस्टली तो ऐसा है ना, जो बी फिक्स्ड इनफ विद द कॉस्ट यू शुड बी यूजिंग मोस्टली। ओके, व्हाट? ठीक है, जो मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ला रहा हूँ हॉस्टल को केटर करेगा, उसमें टमटम भी है, शटल्स भी है और साइकिल पुलिंग सिस्टम तीनों है और हॉस्टल को केटर करेगा। रिपीटिंग द सेम थिंग मैन, आई एम प्रोवाइडिंग कि हाँ 12, 13, 14 को टमटम केटर करेगी, बाकी हॉस्टल में शटल केटर करेगी। और शटल का मैं जो नंबर्स है वो एक सफिशियंट लेवल तक इंक्रीज करूंगा ताकि और हॉस्टल को केटर कर सके। अरे जो करंटली जो स्टूडेंट्स के पास अपनी साइकिल है वो लोग क्यों पे करें? वो तो अपनी साइकिल से जाते ही है वैसे भी, सो व्हाई शुड दे पे फॉर योर साइकिल सर्विस, ई शटल और टमटम? सिंपल क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन अपनी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टूडेंट के लिए। पहले भी स्टूडेंट पे करते थे टमटम सर्विस के लिए, बट दे वर नॉट सैटिस्फाइड, दैट्स व्हाई द टमटम सर्विस वाज क्लोज्ड, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द क्लोजर ऑफ टमटम। दैट्स व्हाई जो मैं जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर मैं इंश्योर करूंगा सबको मिले। एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्राइवेटाइज द सर्विस, सो मतलब जो पहले चल रहा था वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जब प्राइवेटाइजेशन करोगे तब उसमें तुम्हारा प्रॉफिट लिमिट भी आ जाएगा, सो अगेन द कॉस्ट विल गो अप। अगर आपने अच्छे से ग्राउंड वर्क किया होगा तो आपका आइडिया होगा जो प्राइवेट कंपनी थी उसकी जो कॉस्ट थी वो एज कम्पेयर टू जो दूसरी अपने इंस्टीट्यूट अपनम्स थी उससे कम, उसे लो पड़ती थी प्राइस। बस फैक्चुअल डायरेक्शंस, प्राइवेट टमटम्स आर मोर कॉस्टली देन द इंस्टीट्यूट टमटम्स। इट कॉस्ट बिकॉज़ की तो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, SWS सोसाइटी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो ज्यादा आ रही थी। अर्बस यू हैव लास्ट 20 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेरीज। तो अकॉर्डिंग टू माय प्लान इज 850 रुपीज चार्ज हो गए यहाँ पर स्टूडेंट से, एज कम्पेयर टू वो सस्ता है जो लास्ट जो चार्ज होते थे 1000 रुपीज। अगर आपको कॉस्ट एनालिसिस चाहिए वही मैं बताऊं। ठीक है, तो अपन चार बसेस ला रहे हैं तो इस बसेस का 98,000 पर मंथ है, तो चार इंटू चार इंटू चार, तो 98,000 इंटू 16 कितना होता है? ओके, जब
ठीक है तो माय टर्न ना. अरबाज यू लास्ट क्वेश्चन टू रिजिक. ठीक है, आप जो AMD के स्टॉक्स को ऑनलाइन करने का जो प्लान है आपका, क्या आपने AMD वाले से बात की? तो आपने जो बोला कि मिसमैनेजमेंट होता है, जबकि AMD के अंदर मोस्टली स्टॉक्स की कमी रहती है, तो मिसमैनेजमेंट कैसे होता है? और ये अगर आपका आइडिया AMD की पॉलिसी क्या है स्टॉक रिलेटेड, लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट करेगा AMD की स्टॉक रिलेटेड पॉलिसी क्या है, वो कब स्टॉक्स मंगाती है कब नहीं मंगवाती है? ओके, सो AMD करंटली भी जब स्टॉक्स मंगाती है और जब स्टॉक्स रिफिल होते हैं तब उसका ऑन पेपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू मेक दैट रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर अदर स्टूडेंट्स सो दैट की ट्रांसपेरेंसी रहे. अगर AMD बता रही है ये रीजन कि स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स को सच में बता रहे हैं कि स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है एंड देयर इज नो मिसमैनेजमेंट दैट इज हैपनिंग. और उनको पता रहे कि सच में स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो रीजन बता रहे हैं कि देयर इज नो स्टॉक्स अवेलेबल. अगेन द थिंग इज जो हॉस्टल अफेयर्स काउंसिल है उसके पास ये डेटा रहेगा एंड हॉस्टल अफेयर्स काउंसिल जिस तरह से इस डेटा को हॉस्टल काउंसिल्स को प्रोवाइड करना चाहती है उस तरह से वो डेटा को प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, तो आपने AMD की स्टॉक रिलेटेड पॉलिसी नहीं बताया कि AMD को कब स्टॉक मंगवाना होता कब नहीं मंगवाते. ठीक है, हेलो, ठीक है, तो मैं पूछा था AMD की स्टॉक रिलेटेड पॉलिसी क्या है, कब वो स्टॉक मंगवाती है कब वो नहीं मंगवाती है, कब वो मंगवाती है कब नहीं मंगवाती है. आई डोंट गेट द क्वेश्चन. एक्चुअली जब AMD के अंदर स्टॉक्स आता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ AMD का क्या पॉलिसी होता है स्टॉक रिलेटेड. ठीक है, जब AMD के अंदर जब तक पूरा स्टॉक्स खत्म नहीं होता तब तक वो नए स्टॉक का ऑर्डर नहीं देते हैं. राइट, सो ऑनलाइन करने से क्या होगा गाइस? फ्रैक्शन करेक्शन, वंस दिस इज 20% बचा है तो ऑर्डर कर देते हैं. एग्री टू गाइस पॉइंट, लेकिन इसको ऑनलाइन करने से क्या होगा? अब अभी भी रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करते ही है आप, उनके ऊपर लोड और बढ़ा रहे हो. आई एम नॉट इंक्रीजिंग द लोड, करंटली पेपर पे तुम रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑनलाइन, दैट्स इट. तो AMD के जो सुपरवाइजर है वो इतने एजुकेटेड है कि ये चीज कर सकते हैं. सो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर तुमको पता है कि स्टॉक्स अवेलेबल है नहीं है, और अगर है अवेलेबल फिर भी तुमको अगर रीज़न मिल रहा है कि स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है उसके वजह से तुमको सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो मतलब तुमको पता है कि स्टॉक्स तो अवेलेबल है और कुछ तो मिस हैपन हो रहा है बीच में. भाई जब वो रजिस्टर के लिए एंट्री में चेंज, हां प्रीबेट सर, सो ऋषिकेश यू लास्ट क्वेश्चन टू अरबाज. So my next question is about your point in on Facebook page. You want to publicize issue of the month, right? Yeah. So yeah. How do you plan to prioritize the issue of the month from all the issues raised in the institute? Most of the issues have a lot of paperwork involved in it and take time to resolve them. And how do you plan to solve those issues then in just a span of 1 month? तो इशू ऑफ द मंथ के अंदर मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करूंगा कि क्या चीज़ कैसे यूज़ होती है, इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं कैसे अप्रोच कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस थ्रू आउट माई टेन्योर जो भी स्टूडेंट को जो भी इशूज़ फेस हो रहे हैं मेजरली अपन उसको इशू पब्लिसाइज करेंगे. ठीक है, उसके अलावा जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ इशू ऑफ द मंथ में मैं स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा हूँ तो उसमें अपन ये बताएंगे स्टूडेंट को support.id कैसे यूज़ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल रिइंबर्समेंट कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें.
इसके लिए ऑलरेडी सेपरेट चीजें हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड इशू है तो हॉस्पिटल गाइडबुक है, मेंटेनेंस रिलेटेड भाई उनकी रीच इतनी अच्छी नहीं जितनी फेसबुक पेज की हो सकती है। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम इशू जो है वो स्टूडेंट्स में आने वाले इशूज में से एक ले रहे हो, क्योंकि प्रायोरिटी कैसे करोगे, स्टूडेंट्स में से तो बहुत सारे इशूज आएंगे और फेसबुक पे अगर तुम इशूज ही डालना चाहते हो तो कंप्लेंट्स अभी भी इंस्टा ऐप में कंप्लेंट्स डालने के लिए ऑलरेडी देयर इज अ स्पेस टू पुट कंप्लेंट्स देयर आल्सो, सो व्हाई क्रिएट अ न्यू पेज फॉर द ओनली द पर्पस ऑफ इशू ऑफ मंथ। एक्चुअली उसमें अपन बाकी चीजें पब्लिश करेंगे, तो फेसबुक पेज का जो मेन मोटिव है वो एचए काउंसिल की रीच को इंक्रीज करना है, ठीक है, और एचए काउंसिल में क्या वर्क करती है वो भी बताना है उस पर। करंटली जो एचए काउंसिल में वर्क करी, अगर आपने जो फेसबुक पेज का जो मेरा इनिशिएटिव उसको आपने मिसजज कर लिया, सिर्फ मैं इशू ऑफ द मंथ नहीं डालूंगा, उसमें ये भी पब्लिश करेंगे जो एचए काउंसिल करंटली किस चीज़ पर वर्क कर रही है, पास मोड उन्होंने क्या चीज़ पर वर्क करके डन कर दिया पूरा। You know there is something called GBM? भाई GBM में कोई नहीं आता, अगर आप जाके last time से नहीं सकते हो नहीं सुन दिया था। GBM is your responsibility to get up students. That's why I'm making a Facebook page to increase their reach. So there is also something called a hostel affairs blog. Why create Facebook page just for that purpose only? और वो कौन manage करेगा? ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट जो आईआईटी के स्टूडेंट है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेसबुक पर अगर इजीली अवेलेबल है, हर बंदा मोस्टली फेसबुक के ऊपर एक एक्टिव यूजर है, ठीक है, उससे अपन कुछ भी पोस्ट करेंगे उसकी ज्यादा ऑब्वियस कंपेयर टू ब्लॉग। सो जीपीओ के थ्रू स्टूडेंट नोटिस को भी पब्लिसाइज किया जा सकता है, वो तो हर इंस्टी के हर कैंडिडेट तक हर इंस्टीट्यूट के मेंबर तक पहुंचेगा, लेकिन अपने को उसकी रीच बढ़ानी ना, फेसबुक की रीच ज्यादा एज कम्पेयर टू जीपीओ। ठीक है, अपने को फेसबुक पेज के थ्रू एचए काउंसिल की रीच बढ़ानी है ताकि वो ज़्यादा स्टूडेंट पहुंच सके। हाँ जीपीओ पे भी करेंगे लेकिन फेसबुक पेज पे भी करेंगे ताकि उसकी जो रीच है वो इंक्रीज हो सके। सो गाइस ड्यू टू सम रीजंस वी विल हैव इनसाइड क्वेश्चंस फर्स्ट, सो वी विल स्टार्ट विद अरबाज फर्स्ट, मे बी ऋषिकेश यू नीड टू गो टू द बैक ऑफिस। Institute-wide speed monitoring system for auto rickshaws. How would you make sure that the system would be sustainable in the future? ठीक है, तो हम सिक्योरिटी वाले को स्पीड गन्स प्रोवाइड करेंगे थ्रू एलुमनाई फंड, ठीक है, तो वो उनको मॉनिटर करके, आपने देखा होगा कि हर पॉइंट्स पे इंस्टी के मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उससे मॉनिटर करेंगे, अगर जो भी ऑटो स्पीडिंग करते हुए पाया गया तो अपन उसे नंबर नोट करेंगे, अगर दो तीन बार सेम ऑटो पाएगा तो उसको इंस्टी से ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं फॉर सम टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर प्राइवेटाइजेशन फॉर एनहांसिंग फ्लोरा इन द हॉस्टल्स? And do you think that it's really required since the hostel councils can undertake this job themselves? So there isn't much additional value of privatizing this job. ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का जो प्राइवेटाइजेशन अपन करने का सोच रहे हैं, करंटली अभी ऐसा ना हॉर्टिकल्चर के अंदर जो एक गार्डनर होता है वो एक हॉस्टल का होता है, एक इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो सम हॉस्टल के अंदर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, अपन जो ये चीज़ प्रोवाइडाइज कर रहे हैं इससे होगा जो इक्विपमेंट होंगे वो भी जो प्राइवेटाइज से वेंडर आएगा वो प्रोवाइड करेगा और जो वर्कर्स हैं वो भी प्रोवाइड करेगा, तो इससे इक्विपमेंट की फैसिलिटीज भी बेटर हो रही है।
Arvaz, you can stay here. Rishikesh, yeah. You plan on introducing an institute-wide laundromat system with a pickup and delivery service. But in the way it's now functioning, students have been fairly satisfied with the services received from their hostel's laundry services. What value would this new service add, and how would you go about implementing this service? Okay, so regarding the benefit of this service, so there are hostels, as I previously mentioned, there are hostels like 16, where the service is not available. So the service will be extended to those hostels as well. Plus, there is time restriction on the current service. So under my plan, the service will be available 24/7. And again, we cannot avail the service due to our academic commitment sometimes. So you don't have to miss the service due to our academic commitment. And there will be slots in which the pickup will be taken from your hostel itself and the service will be catered. You need to talk about the implementation. Regarding the implementation, the current centers that are developed for laundry services will be included in this centralized process. So due to centralization, there will be a control over the maintenance and working of the system. Again, it will be easier for students to access the service due to the Android app based system. Next question. After the nutritionist conducts workshops for hostel counselors and the hygiene committee, how would you ensure that the food prepared in the messes and food outlets is actually of a higher nutritional value, given the fact that these messes and food outlets are anyway unable to increase the value currently? So currently the thing is, students are not much aware about how they can improve the nutritional value of the mess menu. So I just want to make them provide them a service so that they are aware that how can they improve the nutritional value of their mess menu. And again, regarding the hygiene committee members, so hygiene committee members prepare a list of all the brands and brands regarding the raw material that is used in the eateries. So through these workshops, they will be aware of, they can make the list more inclusive, and more of the products can be included in that list to streamline the process and also for the access of those vendors that are providing the service. So guys, we are going for topic debate. So we'll pick out topics. Someone from you will come and pick the topic debates. And first, we'll start with Arbaz. He will have 2 minutes to send us whatever he thinks. And then Rishikesh will be explaining it for 2 minutes. Then there will be a rebuttal between these two on their reviews, maybe for 6 minutes. So we will be having 4 topics. So I request one of you can come. Context for the debate. The institute Tumtum service was shut down considering the dissatisfaction from the students and other external constraints. However, the Tumtum during its operation did not cater to the complete student population, especially during the peak hours. On the other hand, we do not have other substitutes for transport which caters to that many students, and we can provide alternatives for transportation. Explain your plan of action for public transportation in the campus, keeping in mind the usage and efficiency of the service versus the amount payable by students. Keep in mind that privatization is not a single day process and would take time. Please discuss. Stop.
ठीक है, तो आपने खुद ने मेंशन कर दिया कि अपने पास कोई ऐसा अदर ट्रांसपोर्टेशन मींस नहीं है जो टमटम को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए मैं टमटम्स को वापस लाना चाहता हूँ बाय प्राइवेटाइजिंग दैम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टमटम्स मैं ई शटल्स भी ला रहा हूँ और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी ला रहा हूँ। मुझे पता है कि टमटम्स को प्राइवेटाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं ई शटल के नंबर थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा तब तक, और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टमटम को वापस आना नेसेसरी है, वरना इतने सारे स्टूडेंट्स को कोई और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कैटर नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं खुद S6 से हूँ, तो मैंने खुद ने काफ़ी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पेन प्रॉब्लम फेस की है। अपन सुबह उठते ब्रेक अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो क्लास स्किप हो जाती है, यूँ कभी कभार हमें ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना पड़ता। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को सेम प्रॉब्लम बताई। सो रिगार्डिंग टमटम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इशू, सो आई थिंक दैट सेम थिंग दैट सिंगल सर्विस कैन नॉट कैटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population density. So I think that there should be various options available for the students. So as I have mentioned in my manifesto points that I want to provide a bicycle sharing service through which students can hire their bicycle for one semester and give it back again, and again they can hire the same cycle in the next semester. So I also propose one more option, which is of e-rickshaw. Currently students face the problem of rickshaw availability. तो ये होता है कि जो ऑटो वाले हैं वो अग्री नहीं करते या अवेलेबल नहीं रहते जब आपको पीक आवर्स है उस टाइम पे। सो ई रिक्शास के रेगुलेटेड स्टैंड रहेंगे, जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि ऑटो अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। प्लस ई रिक्शास जो है वो सिर्फ इंस्टी के अंदर ही चलेंगे, उसकी वजह से ये गारंटीड रहेगा कि ऑटो सब मिलेंगे सब लोगों के लिए। एंड अगेन अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टमटम्स, as far as the tumtum is concerned, the prices that students have to bear for tumtum service is not worth the service that they give. So I don't think bringing back tumtum, private tumtum is an option. Okay, done. So you can argument between yourselves for the views that you have. First, anyone can start. Like you. Anybody. Questions for doctor? No, I have first point of question. टॉपिक ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन टमटम्स का प्राइवेटाइज करके ही पूरा अपन स्टूडेंट के नीड्स को कैटर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपन ईशल को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी आपका पेपर राइट वाला सिस्टम है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उससे आपको सेमेस्टर स्टार्टिंग में सम अमाउंट ऑफ फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे मैं पूरी जो सब स्टूडेंट जो चार्ज कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम में चार्ज कर रहा हूँ। उसमें स्टूडेंट को बसेज भी मिलेगी और ईशल भी मिलेंगे और साइकिल पुलिंग सिस्टम भी मिलेंगे। ठीक है, तो बसेज जब तक प्राइवेटाइज नहीं होते तब तक अपन ईशल के नंबर एक सफिशियंट अमाउंट तक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, I don't really get the point कि अगर पेपर राइट सर्विस पे चल रहा है तो जो स्टूडेंट सर्विस को यूज कर रहा है वो उस सर्विस के लिए पे कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? से कॉस्ट में कैलकुलेट किया है 10 रुपए पर राइड का है। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर 20 रुपए दे रहा है एक दिन का तो महीने का 600, तो अगर 4 मंथ का अगर सेम हो तो उसमें 2400 पे करना पड़ता है। सो यू शुड ऑल्सो नो दैट इज फुल्ली डेवलप्ड द प्राइसेस विल ड्रॉप डाउन तो ठीक है, तो जो मैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँ आ रहा है 850 के अंदर तीनों का, टमटम्स, ई शटल्स एंड साइकिल पुलिंग सिस्टम। और अगर आप इसका आधा ही कर दे, अगर 5 रुपये भी आ जाए तो इसका स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 1200। 850 और 1200 में डिफरेंस समझता 350 लोग। यू आर जस्ट पुटिंग एन अमाउंट बट इट इज फिजिबल और नॉट? आई हैव चेक इट, मैंने काफ़ी अच्छे से वेरीफाई किया, इवन एक एक वेंडर से बात की, अच्छे से उसको नेगोशिएट किया है, उसका मैंने अमाउंट लिखा है। Any more question, Rishikesh? I still don't get the point about your prices that you are giving. Okay, I'll just start. No more questions. So, we'll pick the next topic. Guys, we'll pick the next topic. Thank you. So now Rishikesh will start, then Arbaaz, then the argument. So Rishikesh, this is regarding hospital insurance. Recently, the institute had introduced accidental insurance, which covers 2 lakhs per incidence for students, for which rupees 200 is deducted every semester. Additionally, the AMA insurance covers around 1.5 lakhs per semester for students, which costs rupees 1500 per semester.
There are very few hospitals empaneled in the AMA insurance. We see some cases every year where medical expenses go way beyond the amounts covered by insurance provided by the institute or problems with limited hospitals. However, there are students who do not get a need to avail insurance benefits, but for those who avail, current insurance cover amount in empaneled hospitals seems insufficient. What are your views on this? Okay, so hospital insurance ka privatization can be an option, but as far as the amount that students pay per semester remains constant and the service is provided with increased insurance cover, privatization is a better option. But if the amount that students are paying per semester is increased, then there are also students in the institute who are below poverty line, and you are also increasing the burden on them to cater to the needs of other students. So आपने जो बोला कि देर आर फ्यू केसेस हैपनिंग एवरी ईयर, तो इन दोज केसेस स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट डोनेट मनी ऑन वॉलंटरी बेसिस, सो वी आर नॉट मेकिंग इट कंपल्सरी ऑन एनी वन एंड इट इज ओनली ऑन द वॉलंटरी बेसिस. एंड अगेन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड इन AMA इंश्योरेंस, सो आई थिंक दैट देर इज अ नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स दैट आर inside the AMA insurance service. Otherwise you may ठीक है. तो हॉस्पिटल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बात आई है, आपने मेरे मैनिफेस्टो में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया कि मैं प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो करंट पॉलिसी है उसमें जो जितने भी हॉस्पिटल कोलैबोरेटिंग है वो बहुत काफ़ी कम है. जो मेरी प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी है कि स्टूडेंट को थ्रू आउट द इंडिया ये ट्रीटमेंट ये फैसिलिटी मिलेगी, ताकि उसका जो मेडिकल रीएम्बर्स हो सकता है, जो भी मेडिकल एक्सपेंस लगा वो रीएम्बर्स हो सकता है ईजिली. ठीक है ठीक है ठीक है. सो अगेन द सेम थिंग, आई एम ओके विद प्राइवेटाइजेशन, बट हाउ डू यू एंश्योर दैट द प्राइसेस दैट स्टूडेंट्स आर पेइंग पर सेमेस्टर रिमेन द सेम एंड यू गेट द डबल यू गेट इंक्रीज्ड इंश्योरेंस कवर, बिकॉज करेंटली मीन्स इफ यू प्राइवेटाइज एनी सर्विस देयर वुड विल बी अ प्रॉफिट मार्जिन दैट द प्राइवेट सर्विस विल बी कंसिडरिंग. तो ठीक है, जो मैंने जो प्राइवेट पॉलिसी पे वर्क किया है, तो अपन अभी स्टूडेंट 1500 रुपीस हॉस्पिटल में देते हैं. ठीक है, तो उसमें सम अमाउंट जाता है ऑपरेशंस एंड जो हॉस्पिटल का ऑपरेशन था वो ऑपरेशन कॉस्ट में, उसमें सम अमाउंट जाता है इंश्योरेंस के लिए. ठीक है, तो वो अमाउंट अपन इंश्योरेंस वाला प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, इससे तो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है ठीक है तो उसका इतना चार्ज नहीं बढ़ेगा, स्टूडेंट की फीस नहीं बढ़ेगी और हॉस्पिटल का जो भी है ओवरलोड कम हो रहा है. With private service, the fees will be increased for sure. हाँ, लेकिन 100-200 रुपए में इतने स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ता. There are many students who are paying for the service, right? But there are many of those who are not availing the service at all. So you want to increase the burden of each and every student of the institute to cater to those few who want the insurance cover, right? So I am not saying that there shouldn't be an insurance cover, but I am just saying that students are donating money on a voluntary basis and the needs of insurance are being catered. So there is no need to prioritize the service and increasing burden on each and every student of the institute. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में अदर फैसिलिटीज भी है जिसमें स्टूडेंट काफी पे करता है, हर बंदा यूज नहीं करता. ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट, और जो ये अपनी बेसिक नेसेसिटी है ये प्रोवाइड करना, इसमें स्टूडेंट समर एंड विंटर के अंदर भी ये चीज ये फैसिलिटीज यूज कर सकता है. ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर इंडिया के अंदर थ्रू आउट कॉन्फ्रेंस या फिर अदर एक्टिविटीज अटेंड करने जाते हैं थ्रू इंस्टी. ठीक है, तो उनको भी वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सकता है और जो मेडिकल एक्सपेंस होगा उनका रीएम्बर्स हो सकता है इजीली. सेम थिंग अगेन, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द प्राइसेस, व्हाई डू यू वांट टू इंक्रीज द प्राइसेस फॉर ईच एंड एवरीवन ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो मैम बोला जैसे कि इंस्टीट्यूट के अंदर बाकी अदर फैसिलिटीज है जिसमें स्टूडेंट पे करता है लेकिन काफी स्टूडेंट्स को यूज नहीं करते हैं. ठीक है, सो हॉस्पिटल इज वन ऑफ सच फैसिलिटीज एंड यू आर इंक्रीजिंग, लेकिन हॉस्पिटल इज आवर बेसिक नीड. या बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट हैव एन इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर अगेन इंक्रीजिंग द प्राइसेस दैट स्टूडेंट्स बियर टू इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर. वी विल ट्राई कि जो हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन कॉस्ट है थोड़ा कम हो जाए ताकि स्टूडेंट की फीस ना बढ़ानी पड़े. ठीक है, हाउ विल यू ट्राई टू डिक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट? एक्चुअली हॉस्पिटल से ओवरलोड कम हो रहा है क्योंकि अपन IPD के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी ला रहे हैं. IPD आइडिया आपको IPD क्या होता है या मैं एक्सप्लेन करूँ? इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, तो ठीक है, तो जो IPD तो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट जाके एडमिट होता है या ट्रीटमेंट करवा रहा होता है. ठीक है,
तो अब ये अपन जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को आईटीबी का रेफरल नहीं चाहिए अगर वो बाहर किसी हॉस्पिटल से जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है। उससे ये होगा कि जो जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली बाहर जाके इलाज करवा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आईपीडी के अंडर, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल का मतलब क्या बचा अगर तुम डायरेक्ट बाहर जाके सर्विस अवेल कर रहे हो तो? भाई ओपीडी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस उसके लिए यूज होगा। ओपीडी, यू नो ओपीडी, व्हाट इज ओपीडी? ओपीडी में स्टूडेंट जो चेकअप करवाते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। So, Arvas, don't personally attack or even Rishikesh. Don't like wait for his comments and then you step in into the question. So, Arvas, it's first you, then Rishikesh, then the audience. So, yeah, Arvas. This is regarding security. There has been an increase in the number of students addicted to alcohol, drugs and marijuana. Considering the adverse impact due to these substances on students, institute norms and DAC regulations, what would you plan to improve the scenario in the campus? What are your views on consumption of these products? तो इससे रिलेटेड मैं आईआईटी के अंदर ड्रग्स अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अवेयर नहीं होते कि क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उससे ये प्रॉफिट होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशीज है, उनको अवेयर करेंगे ताकि वो ये ड्रग्स वगैरह ना यूज़ करें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो ड्रग अवेयरनेस जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन के अंदर ना जाए, ठीक है। तो अपन उसके लिए कुछ, ठीक है, तो अपन ड्रग अवेयरनेस जो ड्राइव ला रहे हैं उससे ही प्रॉफिट होगा कि जो स्टूडेंट है उनको आइडिया होगा कि ये चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, और वो डिप्रेशन में जाके काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो अपन मेक श्योर करेंगे कि वो डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है। सो रिगार्डिंग सिक्योरिटी टॉपिक, करंटली मीन्स मेनी स्टूडेंट्स यूज ड्रग्स एंड ऑल। सो मैं पहले इंश्योर करना चाहूँगा, जो फ्रेशर्स इंस्टीट्यूट में आते हैं जनरली वो पहले इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम सीनियर्स। सो मैं पहले इंश्योर करना चाहूँगा कि फ्रेशी हॉस्टल्स में इस चीज़ का यूज़ ना हो, और जब यहाँ पे आते हैं फ्रेशीज तब वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं या इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बट यहाँ आने के बाद वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो माई फर्स्ट फोकस वुड बी टुवर्ड्स द फ्रेशमैन स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू इंस्टीट्यूट, एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द सीनियर हॉस्टल्स। एंड अबाउट द ड्राइव दैट यू वॉन्ट टू कंडक्ट, आई डोंट थिंक दैट स्टूडेंट्स डोंट नो दैट this shouldn't be used, they know that it should not be used but still they fall for the bait. So jo according to my drive, jo main drive laga raha hu, isme aisa hoga jo apne jo people aayenge bahar se, wo student cover karne, wo wing wing jaake ek ek student ko batayenge ki hai cheez kyu harmful hai, isse kya hota hai, theek hai. The second point is ki aapne bola ki aap jo seniors influence hote hain freshies, theek hai, to aapke unka culture khatam karna chahte ho apart from influence. Influencing about drugs and marijuana is not a culture. So influence to other things mein hote hain. So I am just saying that ki freshie hostels mein main ensure karna chahta hu ki in sab cheezon ka use na ho, so that they are not influenced about the consumption of these things. So how will you make sure this? Okay, student sophies hai, wo freshie to sophies hai. By increasing the frequency of a vigilance team in the freshie hostels. It's not about the freshman hostel, it's in general the institute. So Rishikesh, stick to the whole topic. Yeah, so the topic is about whole institute, but I would like to start from the freshmen because they are the ones who are addicted to these things after coming to the institute in the first place. And it would be easier to avoid them from coming in contact with these things. Kaise? Me to main pucha. Exactly, by increasing the frequency of vigilance teams. विजिलेंस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? अगर स्टूडेंट रूम में जो कुछ कर रहा है तो किसी को पता ही नहीं चल रहा बात, तो कैसे का रोज की और?
विजिलेंस टीम का काम ही होता है कि इन सब चीजों का कंजम्पशन ना हो. वन सेकंड अरबाज, इट्स अ फैक्चुअल करेक्शन. विजिलेंस कैन एंटर इनटू योर रूम एंड दे कैन चेक योर रूम. ठीक है, अग्री टू करिस पॉइंट, लेकिन विजिलेंस एट अ टाइम हर जगह नहीं हो सकती ना. तो आप कितने मेक श्योर करोगे आप विजिलेंस के अंदर जो स्टाफ उसको नंबर इंक्रीज करोगे? विजिलेंस टीम की विजिट जो होती है वो सरप्राइज विजिट्स होती है, सो यू डोंट नो व्हेन विल दे बी विजिटिंग, राइट? लेकिन वो हर रात को विजिट करती है, और वो अपना आइडिया होगा अगर वो हर रोज विजिट करती है, हर रात को विजिट करती है. ठीक है, तो उनकी विजिट और कितनी इंक्रीज करोगे आप? दे डोंट विजिट एवरी नाइट. आई हैव एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन देम विजिटिंग एवरी नाइट इन माय हॉस्टल. तो फिर आपने अच्छे से ग्राउंड वर्क नहीं किया होगा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे. इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड वर्क ब्रो, यू शुड नो द फैक्ट्स. Bro, no personal attacks. Both Rishikesh and Arbaaz, stick to the point that you have been asked. So that's it. Do you have any other arguments, both? Cool. No. Okay. So let's pick the next topic. Can't you? Rishikesh will be going first. So this is regarding mess reforms. What are your views about the present opt-out system? What are your views about making opt-in entirely optional by eliminating any opt-out charges? That is, move to a completely paper mail system with no basic charges, which are 1300 currently. Take care that all segments of the student populace, the impact on the mess system and the feasibility of running this completely new system is taken care of in your answer. Okay, so opt-in agar कम्प्लीटली ऑप्शनल करते हैं तो जो लोग इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं उस हर बंदे के ऊपर जो कॉस्ट लगेगा पर डे मील का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन एक्शन करेंटली. सो इट्स नॉट एन ऑप्शन टू मेक ऑप्टिन कम्प्लीटली ऑप्शनल. सो इंस्टेड आई वुड प्रेफर अ पॉलिसी इन विच मल्टी मेसिंग सर्विस विल बी प्रोवाइडेड. सो सपोज अ स्टूडेंट ऑफ हॉस्टल 2 विल गेट 10 कूपन्स फ्रॉम हिज हॉस्टल काउंसिल फ्रॉम हिज हॉस्टल मेस. And he can avail those coupons in, let's say, Hostel 1 and Hostel 3. And when the bill is formed after a month, there will be three columns in the bill. One will be from the cost that is beared by the hostel mess in Hostel 3, from Hostel 2 and Hostel 1. And you will pay for all the three bills. So rather than opting in with optional choice, it is better to provide a service of multi-messing option. ठीक है, तो मेरे को पहले डाउट था कि अपन 1300 रुपीज पे क्यों करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम IIT बाकी अदर इंस्टीट्यूट है जिसमें ये पेपर मिल का सिस्टम है, अपन वहाँ से कैटर ला सकते हैं. ठीक है, तो उससे ये होगा कि अपन जो 1300 ये प्राइस कम हो जाएगी और स्टूडेंट जो पेपर मिल करता है वहाँ पे वो बेटर रहेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अपन जो नया MOU मैथ स्टैंडर्ड के अंदर अपन ये एडिट करवा सकते हैं, नया MOU बनेगा उसमें स्ट्रिक्टली लिख सकते मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जो मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स के जो ये 39 रुपीज़ जो पे करते हैं वो मस्ट बी बियर बाय प्राइवेट वेंडर्स. ठीक है, ब्रो मेरे को काफ़ी ज़्यादा रैंडम मतलब समझ ही नहीं आया एक्जैक्टली पॉइंट, व्हाट डू यू वांट टू से, कैन यू रिपीट द आंसर प्लीज. मैं कह रहा हूँ कि पेपर मिल वाला सिस्टम है इंडिया के अंदर. ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, सो अगर कुछ लोग ऑप्ट आउट करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू यूज ब्रांडेड फूड आउटलेट्स, सो जो बाकी लोग हैं जो ये फूड अवेल कर रहे हैं फ्रॉम मेस सर्विस उनके ऊपर पर मील का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा. दैट्स वाई यू कैन नॉट गिव ऑप्ट इन एज अ कम्प्लीटली ऑप्शनल सर्विस. मैं जो प्रपोज कर रहा था वो था कि जो 1300 है वो पूरा स्क्रैप हो जाएगा, अपन एक नया कैटर हायर करेंगे. इंडिया के अंदर ऐसा कैटर प्रेजेंट है, मैंने बात भी हुई है. ठीक है, तो क्या करता है आपको जो पेपर मिल देना पड़ेगा, आप ब्रेकफास्ट करते हो आपको ब्रेकफास्ट के लिए पे करना पड़ेगा, अगर आप टिफिन करो तो टिफिन के लिए पे करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें मैस ऑप्ट आउट वाला सिस्टम कुछ नहीं होगा पूरा. ठीक है, ये पूरा स्क्रैप हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो 1300 रुपये अभी स्टूडेंट्स भर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो अगर वो खुद के जेब से भर रहा है तो ही विल इंक्रीज द पर डे मील कॉस्ट. So everyone who is availing the service will have to pay more for the food they consume. जो per day meal cost है वो increase नहीं होगा, जो मैं जिस caterer से मैंने बात की है. ठीक है, so you are saying that जो 1300 रुपए अभी students भरते हैं बाकी वो caterer अपने जेब से खुद भरेगा, right? Yeah. Okay. That is a new caterer. जो पुराने caterer से IIT के अंदर उनकी बात नहीं कर रहे, बाहर भी उन caterer से बात की है, they are ready to provide these facilities.
because they have to also pay for 1300 rupees. Again, there is one more issue कि उनको ये भी पता नहीं रहेगा कि उनको कितने लोगों के लिए खाना बनाना है. How will you ensure कि कितने लोगों के लिए वो खाना बनाए? This will also increase the food waste that is produced in the hostel. ठीक है, तो उसमें अपन ठीक है, तो उसमें उनका आइडिया होगा अपन पर्टिकुलर हॉस्टल में वो केटर लाए, फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसमें जो पर पेपर मिल वाला सिस्टम है उसमें ये होगा कि स्टूडेंट आएगा, अपना आईडी कार्ड लगाएगा और कर लेगा पूरा. ठीक है, मिल एंड खा सकता है. उसमें उसको स्टार्टिंग में इनिशियल थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसका अकॉर्डिंगली वो फूड वेस्टेज कम रहेगा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मेस में कितने लोग एक दिन खाना खाएंगे ये अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये पेपर मिल बेस में है, पेपर मिल बेसिस पे है. तो एक मेस में कितने भी लोग खा सकते हैं, तो वो मेस कैटरर कैसे इंश्योर करेगा कि कितना खाना बना रहा है? स्टूडेंट पहले रजिस्टर करेंगे उसके लिए कि हाँ उस पर्टिकुलर मैच में इस दिन खाना चाहते हैं. ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा. उसके अलावा आपको जो डाउट्स है उसमें अपन कैप भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट उसकी भी लिमिट होती है, सीटिंग एरिया कम है उसकी वजह से, तो अपन 10% कैप लगा दी उस पर. ठीक है, तो मैच का बिल कैसे बनेगा, मैच का बिल कैसे बनेगा अगर मैं एक दिन वन में खा रहा हूँ, एक दिन टू में, एक दिन थ्री में, एक दिन फोर में? पर्टिकुलर हॉस्टल के लिए है वो, सब हॉस्टल के लिए नहीं, हर हॉस्टल के लिए अलग अलग थिएटर होगा. अगर S6 की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो S6 स्टूडेंट्स में खा सकते पेपर मिल पे. So how will you ensure कि hostel 4 में hostel 6 वाला बंदा जाके नहीं खा रहा है? आईडी कार्ड सिस्टम लगा रहे अपन. ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट का आइडिया हो जाएगा कि उसका आईडी कार्ड है, उसके से पता चल जाएगा कौन सा हॉस्टल से है. अभी यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द एफर्ट्स दैट स्टूडेंट्स हैव टू टेक टू जस्ट कंज्यूम द मील. अभी जाके बंदा सीधा अपना कार्ड सबमिट करता है, प्लेट लेता है, खाना खाता है, तुम बीच में आईडी कार्ड वाला भाई 1300 रुपए में कम भी करवा रहा हूँ उसके अलावा. ठीक है, वो 1300 रुपये में कम भी करवा रहे, उतने में स्टूडेंट कर सकता है. और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कार्ड नहीं है तो वो एल्डर आईडी लॉगिन करके दिखा सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर हॉस्टल का बंदा हूँ. ठीक है, ठीक है, तो नाउ वी हैव कम टू एंड. मुझे ऐसा इंस्टी चाहिए जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, डिसेबल फ्रेंडली हो, ठीक है, और जेंडर इक्वल हो. ठीक है, तो मैं इनिशिएटिव लेने से डरता नहीं हूँ, उनको पूरा करने का सामर्थ्य रखता हूँ. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आई विल बी जीशा ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एंड अकाउंट हेल्ड अकाउंटेबल. ठीक है, मैं आपका आभार, थैंक यू. I think that I have made my vision clear. Guys, let him speak. Oi, let him speak. Beech mein aap chillao, wo rokega. Theek hai? Guys. So I think that I have made my vision about the institute clear through my soapbox. And I want to ensure that I want a transparent, accountable and accessible to everyone's institute. At the same time, I will be open to suggestions of every individual in the institute and reachable to everyone. So, thank you.